संजमागिनेगा, बीपीएससी चेयरमैन का दिमाग खराब हो गया है सर, ये बताने की जरूरत है। ये तो जग जाहिर है, दो शिफ्ट में पेपर ले रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताओ, इनका कहना है कि हम पेपर कंडक्ट कैसे कराएंगे इतने जादू को? मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका अंदर धांधली होती है? अगर वो कह रहे हैं कि हम 6 लाख लड़कों का कैसे कंडक्ट करा लेंगे कंट्रोल करने में, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस स्कूल में भेजेंगे वहाँ धांधली होगा? अजब हाल है धांधली का यहाँ पर। आप हर सेंटर को कह दीजिए खान सर अपना एक विद्यार्थी भेजो, हम हरा रंग का बांस लेके भेज देंगे। और अगले दिन ये खबर नहीं निकलेगा इस सेंटर पे अखबार, मतलब इस अखबार में नहीं निकलेगा इस सेंटर पे धांधली हुआ, अखबार में निकलेगा इस सेंटर पे धांधली करते पकड़े गए 8 आदमी जख्मी, हालत नाजुक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मत पूछिए उनको, ऐसा डर बन जाएगा ना कि आधार कार्ड भी नाम याद, नंबर याद लेके घूमेंगे कि नकल नहीं करना, आधार नंबर भी याद रखो। बात करते हैं यहाँ पे कि दो चरण में कभी पेपर होता है? पक्का एक तो टफ होगा एक तो आसान। दो चरण में वैकेंसी निकालिए, दो चरण में पेपर होगा ना, ऐसा कोई ना भाई। अब कोई कहे आ बैल मुझे मार, तो मारने में क्या जा रहा है? इनों के भाखल है वही रेलवे वाला कांड, बता रहे हैं ना इनको। रेलवे तो इसका मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली, तो दिल्ली दूर नहीं है। नहीं सर, ये तो बगले में है। बहुत इनको समझना चाहिए क्या कर रहे हैं लोग। चलिए ध्यान देते हैं, एक चीज खराबी जानते हैं, ये सरकारी लोग जो बन गए हैं ना, इनका दिमाग 1980 वाला है, और उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि आज का लड़का 2022 वाला है। अपने मन से हाँ ऐसे हो जाना चाहिए, अरे बबुआ 80 मॉडल के हो, नोकिया मोबाइल बन चुके हो, चल जाओ यहाँ से। इनको क्या जाता है, एक बार कह देते हैं कि जो भी बीपीएससी के टीचर हैं लोग, एक बार आके थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं ना। हाँ मस्त, ईगो कैसे आएगा? समझ में, बहुत ईगो होता है इन सब में। रेलवे में जो बवाल होने से पहले 3 दिन तक हम माथा चटाए थे, समझा समझा थक गए, लास्ट में कहा जाइए आपको जो करना है कर दिए। सुधर जाएगा बीपीएससी? नहीं सुधरेगा तो है ही हम। चलिए अब देखें, देखिए मैग्नेट के बारे में पढ़ा रहे थे।